was very embarrassed and I felt कि भाई ये मैं क्या क्या लाया हूँ गुरु जी के लिए. और मैंने quietly संगत के कमरे से बाहर एक काउंटर था वहां पे उसको quietly रख दिया. अब किसी ने मेरे को देखा नहीं, गुरु जी को देख ही नहीं सकते थे क्योंकि वो अंदर थे. किसी ने देखा नहीं कि इसमें क्या रखा है, क्या है इसमें. और मैं चुपचाप अंदर चला गया हॉल में और बैठने लगा. मेरे बैठने से पहले ही गुरु जी कहते हैं, बाल भी छट के आए हैं लया. हाउ डिड ही सी? ओनली गुरु जी कैन सी. So then I went outside, I unwrapped the painting, I brought it and I took it to Guruji. अब आप भी सोचिए, वहां पे सभा लगती है, संगत होती है, लोग आते हैं गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेते हैं. गुरुजी के पास ग्लास के ऊपर लिखने वाला पेन क्यों होगा? लेकिन उस दिन था और उन्होंने मेरी पेंटिंग ली, पेन उठाया और उसके ऊपर लिख दिया ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी. और मेरे को कहते हैं ये ले जाके अपने दुबई के ऑफिस में इसको लगा ले. सो द गिफ्ट दैट आई हैड टेकन फॉर गुरुजी बिकेम माय मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट. उस वक्त इतनी खुशी हुई मेरे को, इतना अच्छा लगा और मैं गुरुजी को प्रणाम करके आ गया. लेकिन फिर मेरे को एक चिंता हुई कि दुबई में तो मेरे पास कोई ऑफिस ही नहीं है. दिल्ली में ऑफिस था लेकिन दुबई में नहीं था. फिर मैंने कहा ये गुरुजी का इशारा है कि अब दुबई में जल्दी ही ऑफिस होने वाला है. और वही हुआ, बहुत जल्द मेरा ऑफिस वहां पे खुल गया. वहां पे आई वॉज एबल टू ओपन एन ऑफिस देयर और वहां पे मैंने जाके वो पिक्चर्स गुरुजी की फोटोग्राफ पिक्चर वहां पे जाके सजा दी. उस टाइम के बाद आज हमारा ऑफिस उससे कम से कम 5 गुना बढ़ा है, काम बहुत बढ़ गया है. लेकिन वो पिक्चर मेरी सीट के बिल्कुल साथ में होती है और जब भी मैं अपने ऑफिस के अंदर जाता हूं पहले गुरुजी को प्रणाम करता हूं. ये उन दिनों की बात है, अभी मैं दिल्ली में ही होती थी, अपना प्रैक्टिस करती थी डायबिटीज का और शाम के टाइम पे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में MBA कर रही थी. गुरुजी मेरे को बार बार कहते थे दिल्ली छोड़ दे, तू यहाँ क्या कर रही है, ऐसे नहीं नहीं फलना. He used to say that and sometimes he used to call me also that तू अभी गई नहीं. तो मैं सोच रही थी कि कैसे इतना कुछ यहाँ पे पूरा बिखरा हुआ है, अपना घर सारा कुछ उसको समेटना, क्लिनिक को समेटना, तो कैसे होगा. तो फाइनली कुछ ऐसे ही हुए संजोग, सारा कुछ समेट के फिर मैं दुबई आ गई. जैसे ही मैं दुबई में आई तो मेरे को एक काम अच्छा मिल गया था जो एक मल्टी नेशनल कंपनी में मैं डायबिटीज स्पेशलिस्ट थी. And it was a very good start. When I look back, I think that Guruji ko zyada malum hai ki aapko kya dena hai, unme faith rakhna aur unke sath complete surrender karna ek bahut bada man ka aur mind ka sukoon hai. गुरु जी के साथ हमारे इतने ज्यादा सत्संग हैं कि मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि क्या क्या और शेयर करूं. एक और सत्संग जो अभी हाल ही में मेरे साथ हुआ, लास्ट अक्टूबर आई वॉज इन दिल्ली विद माई फादर एंड इन द मिडल ऑफ द नाइट अराउंड 1:30 आई हर्ड माई मदर कॉलिंग मी कि जल्दी आओ. मैं भागी उनके पास गई
पता लगा कि डैडी बाथरूम में गिर गए थे. He was 92 years old and it so happened that he had a hip fracture. A hip fracture at that age is very difficult, almost impossible to take care of. I immediately called the ambulance and my father and I left for the hospital. We were there within 1 hour. And x-rays were done, and then we found out that it is a hip fracture, and they have to put a nail, it has to be surgically operated. And मेरे को खबर आई कि मुझे 3 units blood का तैयारी करनी है. मैं सोच रही थी कि 3 units का blood मैं middle of the night कहाँ से अरेंज करूँ, और सुबह सर्जरी है तो मैं ब्लड बैंक से वापस आ रही थी और गोइंग बैक टू द रूम. इतने में एक यंग गर्ल शी केम टू मी एंड शी सेड मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ. तो मैं वैसे ही बहुत परेशान लग रही थी और परेशान थी भी, तो मुझे आके उसने गुरु जी का स्वरूप आके मेरे हाथ में रखा. मैं एकदम नम्ब हो गई कि गुरुजी मेरे को अभी भी याद कर रहे हैं और ही ब्लेसिंग मी. ऐसे ये आपको भी चाहिए होगा, आप हॉस्पिटल में हैं. तो कहने लगी, नहीं आंटी जी, आई थिंक यू नीड इट मोर देन मी, बाय लुकिंग एट यू आई हैड द अर्ज टू कम टू यू एंड गिव यू द सपोर्ट. जब मैं ये बोल रही हूँ तब भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. मैंने अपने हाथ में सुरूर रखा और मैंने उसको बोला थैंक यू बच्ची. तो कैसे, तो मैं जब डॉक्टर को फोन किया कि ब्लड यूनिट तो इस वक्त मैं कहाँ से करूँगी, तो कहने लगे नहीं आपका तो ब्लड ऑलरेडी अरेंज हो चुका है. मुझे अभी ओटी से फोन आया है सिस्टर का कि इनका 3 units ब्लड अरेंज हो चुका है, तो आप कोई चिंता ना करें एंड सुबह सर्जरी हो जाएगी. सुबह का टाइम आया, सर्जरी हुई और मेरे डैडी बाहर आए. ही वॉज कॉन्शियस. थोड़ी देर के बाद फिजियोथेरेपिस्ट भी आया, उन्होंने डैडी को एक्सरसाइजेस बताई. बस मैंने उसका वीडियो बकायदा रिकॉर्ड किया हुआ है. तो गुरु जी इज विद अस एट एवरी मिनट एंड वी शुड नॉट एवर डाउट दैट. ये और बात है कि कुछ टाइम के बाद डैडी को हार्ट अटैक हुआ और वो हमको छोड़ के चले गए. अब वो तो फिर हम सबको ही जाना है. मुझे इस बात की हैरानी है कि आई एम ऑलवेज स्टेइंग इन दुबई एंड इट वाज जस्ट बाय लक चांस गुरु जी ब्लेसिंग दैट आई वाज देयर व्हेन माय फादर फेल डाउन. इजंट दैट समथिंग यूनिक. गुरु जी हमेशा हमारे साथ रहे हैं. गुरु जी ने हमेशा हमारा ख्याल रखा है, हमें सुरक्षित रखा है. और हमारी 20 साल की जर्नी तो यही है, गुरु जी का सुजुड़ा भरोसा करके आगे बढ़ाते जाते हैं. और हमें पता है, बहुत कॉन्फिडेंस है हमें कि जब तक गुरु जी हमारे साथ है हमारे साथ कुछ गलती है. और अभी तो 20 साल हुए हैं, अभी तो और भी हैं और आगे जिंदगी है अभी. और हमारे बच्चे हैं वो भी गुरु जी के बहुत भक्त हैं, उन्होंने भी आगे बहुत लंबी जिंदगी जीना है. सब गुरु जी के बच्चे. जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी.